हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी आंखों की खूबसूरती, आपके बिजी शेड्यूल और डेली काम करना, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी आंखों की खूबसूरती दिनों दिन कम होती जा रही है, तो बस जरूरी है आपकी थोड़ी सी केयर, जिससे पा सकती हैं आप भी ब्यूटीफुल आईज। सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी आंखों की खूबसूरती को कम करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन दूंगी, तो कंप्लीट वीडियो देखें लास्ट तक और अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, इससे आपका प्यार झलकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस रेमेडी को कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले इसके लिए चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है, जो कि ये दोनों ही आपकी आंखों के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है और नेचुरल वे से ये काम करते हैं। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि आप आंखों के लिए लेमन यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑरेंज उसके लिए परफेक्ट है। अब आपने सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है, एक चम्मच आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। आप कोई भी कंपनी का आलमंड ऑयल ले सकते हो। अब आपने थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट लेना है, एलोवेरा जेल। आपने ये मार्केट वाला ही लेना है क्योंकि इसे हमें ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना है और इसकी कंसिस्टेंसी मार्केट जैसी नहीं आएगी, तो आपने फ्रेश नहीं लेना है पत्ती वाला, आपने मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल यूज़ करना है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो आपको उसको जल्दी से लगा के ख़त्म करना होगा, क्योंकि उसे हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट वाले एलोवेरा जेल से ही एक क्रीम बनाएं तो आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी कर सकोगे, और सबसे अच्छी बात कि आप ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट देखना चाहते हो अपनी आँखों में, तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप इसे फ्रिज में रख कर फिर यूज़ करें अपनी आँखों पर। जितना ये ठंडा होगा, ये उतनी ही तेज़ी से आपकी आँखों पर डबल स्पीड से इफ़ेक्ट करेगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि शायद ही बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ऑरेंज जूस आप डायरेक्ट नॉर्मल भी लगाते हो अपनी आँखों पर, स्किन पर, तो भी ये बहुत तेज़ी से आपके डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स पर असर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम आपने बनाई है, ये आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो जब तक कि ये फिनिश ना हो जाए। जी हाँ, ऐसे ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हो जितने दिनों तक ये अगर फिनिश ना हो तब तक। मगर ध्यान रखिए कि इसको आपने फ्रिज में ही स्टोर करना है। और एक और बात, इसको लगाने के बाद आपने अपनी आँखों के आसपास एक्सरसाइज भी करनी है अपनी फिंगर की हेल्प से, और सिर्फ दो फिंगर लेके आपने अपनी आँखों पे दबाना भी है, आँखों को बंद करना है, आँखों को दबाकर बंद करना है और फिर छोड़ना है, फिर दबा के बंद करना है दो फिंगर की हेल्प से, फिर छोड़ना है। ऐसा आपने सेकंड्स के हिसाब से करना है। आप यकीन मानिएगा, इट्स जस्ट 15 डेज, और 15 डेज के बाद आपको बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देखें, बहुत ही अच्छी हैं। मिलते हैं आपसे न्यू और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।